नमोबुद्ध्या जय भीम भाई जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जी। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म स्थल है जी, वहाँ पर आपके द्वारा निःशुल्क कैंप लगाया जाता है जी, और उस कैंप में आपके द्वारा जितने भी रोगी है, जैसे हार्ट अटैक के हों जी या तिल मस्से के दाग धब्बे हों जी, उसको आप निःशुल्क ठीक करते हैं जी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जितने धम्म उपासक हैं और जितने भिक्खु लोग हैं उनका आप बहुत सेवा करते हैं जी। और प्लस आप भोजन दान भी करते हैं। अभी आपने बोधगया में खीर दान किए थे, कुशीनगर में भी पिछले साल खीर दान आपने किया था और आज यहाँ पर पूज्य भंते ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के 27वें जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भी आपने धम्म दान किया। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं खानदानी वैद्य कल्याण सिंह पलवल हरियाणा से हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने पूज्य भंते हैं सबका निःशुल्क इलाज करूँ और जहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिले खीर दान करूँ जी। अच्छा, कौन कौन से रोग का आपके द्वारा इलाज किया जाता है? किसी भी तरह का तिल है, मस्से है, जनक का लहसुन है जिसको इलावी बोल देते हैं, हार्ट अटैक, किसी भी स्टेज में हार्ट अटैक हो मैं ठीक कर देता हूँ देसी दवाइयों से। डॉक्टर कह देता है एक वाल डलेगा, दो वाल डल गया, तीन वाल डल गया है, फिर दिक्कत आई है, मेरी देसी दवाइयों से कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने बहुत गाँव में भी बनते लोगों को ठीक किया है, कुशीनगर में सबसे बड़े गुरुजी हैं वो भी हमने ठीक किए हैं, हमारी दवाई ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी हमने ठीक कर रखे हैं। माइग्रेन, जिस सिर के अंदर जो सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन का इलाज हमारे पास है, सब देसी दवाइयों से हम इलाज करते हैं। अच्छा, आपके द्वारा शुगर का भी इलाज किया जाता है? जानकारी मिली है। किया जाता और बीपी का भी है क्या? हाई बीपी का भी है, कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज हमारे पास है। अच्छा, तो ये दवा जैसे आप कैसे खाने वाली टिकिया है या लिक्विड है पीने के लिए क्या है? हमारे पास सारी जो जड़ी बूटियां हम अपनी तैयार करते हैं, कुछ पाउडर भी हैं, कुछ पीने वाली भी हैं जी, और लेप भी हमारे पास हैं। अच्छा, कई तरह से। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो अपने देश में शुगर के बहुत से पेशेंट मिल रहे हैं जी, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो हमारे पास जो पीने वाली दवाई है उससे हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, पीने के बाद शुगर ठीक, शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा, पीने से ही। अच्छा, कितने दिन में शुगर ठीक हो सकता है? ज़्यादा हाई है तो 6 महीने और कम है तो 2-3 महीने में ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसका कुछ चार्ज होगा? हाँ, कुछ चार्ज लेते हैं, बनते लोगों से नहीं लेते हैं, रजिस्टर्ड बनते लोगों से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलूँ रजिस्टर्ड बनते लोगों से नहीं, उनके लिए निःशुल्क करते हैं, बाकी चार्ज लेते हैं। अच्छा, संभवतः क्या चार्ज होगा जो शुगर का? शुगर के पेशेंट बहुत पूरे कम देश से में कम से कम 2,500 रुपये है एक बोतल का। अच्छा अच्छा, जो आपको ये दिखा देगी एक है, हमारी शुगर ठीक हो गई है, हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कितना दिन एक बोतल आपका वजन क्या है? 1 महीने से ज़्यादा चल जाती है। 1 महीने ज़्यादा चल जाता है, यानी 1 महीने का 2,500 रुपये में आपका 1 महीने का कोई गोलियाँ नहीं खिलाते हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, तो इसके अलावा और कोई दवा आपके किसी भी रोग का? हार्ट अटैक का देते हैं, तिल मस्से का देते हैं, वो हम अपने हाथ, तिल मस्से का हम अपने हाथ से करते हैं, जो हमारे दादाजी हमें सिखा के गए थे, हमारे पिताजी सिखा के गए थे, हमारे बच्चे भी करते हैं, 5 क्लिनिक मेले चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा आपका एड्रेस कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के पास पलवल हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट पलवल है, जहाँ अपना क्लिनिक है। अच्छा, क्लिनिक का नाम क्या है? खानदानी वैद्य के नाम से हमारा क्लिनिक है जी। चलिए, अच्छा आप देखिए, हमारे साथ में डॉक्टर कल्याण सिंह वैद्य हैं, जो खानदानी वैद्य हैं, खानदानी इनके खानदान में लगातार इसी सेवा करते आ रहे हैं। शुगर है, बीपी है और किसी को हार्ट की दिक्कत है तो ऐसी दवा करते हैं, और तिल मस्से का भी, बड़े बड़े तिल मस्से हों उसको भी ठीक किया जा सकता है, और भी बिना कोई ऑपरेशन का, माइग्रेन का भी बता रहे हैं।
तो आप हमारे चैनल कैंसर पे, का है कैंसर का अगर बाहर है तो हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, कैंसर का भी इलाज आप करते हैं? इलाज हमारे पास कैंसर का है। अच्छा अच्छा, अगर स्टार्टिंग में कैंसर अंदर हो जाता है तो दवाई हमारे पास है, उसके साथ अंग्रेजी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। हाँ। कैंसर भी ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए आपके द्वारा कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है। चलिए, अच्छा आपने हमारे चैनल पर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको।